इस साल के अंत तक रीवा से भोपाल के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है। दो कंपनियों ने इसके लिए दिलचस्पी दिखाई है। रीवा के चुरहटा हवाई पट्टी को भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से इस साल के अंत तक जोड़ने की तैयारी है। दोनों गंतव्यों के बीच नियमित विमान सेवा संचालित होगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भोपाल और रीवा के बीच उड़ान कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी गई है। इस पर अमल करने से पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर राज्य के 100% VGF अंशदान देने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर विचार करते हुए अधिकारियों को सहमति पत्र भेजने के निर्देश दिए थे और उसके बाद कवायद आगे बढ़ सकी। रीवा से भोपाल के बीच नियमित उड़ान सेवा के लिए दो कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसमें से एक पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है और उस पर मुहर भी लग चुकी है। वहीं दूसरी कंपनी के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसे भी जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। बता दें कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो रीवा मध्य प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा जहां से उड़ान योजना के तहत राजधानी भोपाल के साथ सीधी विमान कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। रीवा और भोपाल के बीच दैनिक या साप्ताहिक उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। बताया जा रहा है कि शासन स्तर से दैनिक सेवा के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस पर मुहर लगने से पहले एजेंसी द्वारा एक सर्वे किया जाएगा और उसके बाद तय होगा कि उड़ान सेवा हर रोज की होगी या साप्ताहिक। ये कवायद क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत की जा रही है। बताया गया कि कम सेवा वाले या छोटे हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ने की यह योजना है, जिसकी लागत लगभग 2500 रुपए प्रति घंटे होगी। इस योजना में एयरलाइनों को इन किरायों की पेशकश के लिए सब्सिडी भी दी जानी है। इसी के तहत रीवा को भोपाल से जोड़ा जा रहा है। रीवा वासियों के लिए विमान सेवा बहुप्रतीक्षित मांग रही। जब सतना से हवाई सेवा शुरू की गई तो रीवा की मांग मुखर होकर सामने आई, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि सतना की सेवा भी बंद हो गई। अब एक बार फिर रीवा से विमान सेवा शुरू होने की संभावना दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो रीवा के सपनों को भी पंख लग जाएंगे और रीवा मध्य प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा जहां से उड़ान योजना के तहत राजधानी भोपाल के साथ सीधी विमान कनेक्टिविटी शुरू होगी।